हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स ये देखिए आज हमने अपने लड्डू बाबू के लिए बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनाई है ये देखिए इसको हमने टू कलर से बनाया है और सलाइयों से बनाया है देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है और कैप भी हमने इसकी बनाई है फ्रेंड्स अगर आप ये ड्रेस सात नंबर गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसको सेम बना लीजिए जैसे हमने आपको बताया है और अगर आप इसको छः नंबर गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ से नेक पर से आप इसमें चार फंदे कम कर लीजिए और ग्यारह नंबर की सिलाई ले लीजिए बाकी मेजरमेंट आप सेम बना लीजिए तो ड्रेस सही बनेगी ग्यारह नंबर की सिलाई लेनी है छः नंबर गोपाल जी के लिए और यहाँ पर नेक पर चार फंदे हमें कम करनी हैं और जो कैप बनाई है कैप में भी आप दो फंदे कम कर लीजिए बाकी आप सेम बना लीजिए दस नंबर की सलाई से तो ये ड्रेस सही बनेगी छः और सात नंबर गोपाल जी के लिए जिस तरह से हमने बनाई है सात नंबर के लिए आप सेम सलाई और सेम मेजरमेंट रखें और छः नंबर के लिए हमने बताया है यहाँ पर चार फंदे कम ग्यारह नंबर की सलाई और ऊपर दस नंबर की सिलाई और दो फंदे कम तो इस तरह से आप बना लीजिए अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आ रही है मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लड्डू बाबू के लिए लाइक तो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं हमने ड्रेस कैसे बनाई ये देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने दो कलर की वूल ली है वर्धमान की बेबी वूल है नॉर्मल है ये देखिए और दस नंबर की हमने इसमें सलाई ली है दस नंबर की सिलाई में हमने टोटल ट्वेंटी फोर फंदे डाल लिए हैं देखिए सिंगल धागे से हमने फंदे डाले हैं ट्वेंटी फोर फंदे डाले हैं दस नंबर की सिलाई में तो इसको बनाना अब शुरू करते हैं ये देखिए अब हम इसका जो है नेक का बॉर्डर बनाएंगे और ये इसकी फर्स्ट रो है देखिए पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे ये देखिए फर्स्ट रो इसकी हमने उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है अब यहाँ से इसकी हम सेकंड रो बनाएंगे और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे देखिए इसकी सेकंड रो है इसको इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे ये देखिए टू रो बना कर इसकी हमने कंप्लीट कर ली है नेक के बॉर्डर की अब थर्ड रो में इसमें हम जाली बनाएंगे तो ये देखिए उल्टा उल्टा ही हमें बुनना है इसको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और जाली बनाएंगे धागा अपनी साइड रखेंगे और इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर जाली यह एक जाली आ गई ये यह देखिए एक जाली आ गई ये देखिए यहाँ पर और ये फंदा सीधा एक फंदा और सीधा बनाएंगे दो फंदे हमारे पास यहाँ सीधे हो जाएंगे अब धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और इस धागे को हम इस तरह से देखिए इस तरह से लेंगे सिलाई पर लपेट लेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे ये देखिए ग्यारह फंदे यहाँ पर इस साइड बुने दो फंदों पर जाली बनाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे हमारे पास इस साइड हैं और ये सलाई हम उल्टी बना लेंगे पूरी दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है ये देखिए धागा पीछे लेकर इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे ये जाली डालकर हमने इसकी सलाई कम्प्लीट कर ली सीधी साइड से सी। सीधी साइड से जाली डालनी है और ये इसकी उल्टी साइड है ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे उल्टी साइड से ये फंदा ये जाली है जो इसको हम फंदा बनाएंगे ये देखिए जाली वाले फंदे भी हमें बुन लेने हैं और उल्टी सिलाई में हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है उल्टी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से उल्टी सलाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी ये देखिए धागा पीछे और लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे अब एक जाली और बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे पिछली सिलाई में हमने ग्यारह फंदे बुने थे जब जाली बनाई थी इस सिलाई में हम बारह बुनेंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये देखिए जाली वाला फंदा बारह बारह फंदे हमने बुन लिए अभी दो फंदे यहाँ पर देखे सीधे दिखाई दे रहे हैं इन पर जाली बनाएंगे ये देखिए सीधा फंदा बुन लेंगे जाली बनाते हुए धागा अपनी साइड रखकर ये फंदा हमने सीधा बुन लिया तो एक जाली हो गई और ये फंदा सीधा हो गया और इसके साथ वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे देखिए दो फंदे हो गए इन पर हम जाली बनाएंगे एक जाली तो बन गई एक जाली यहाँ पर बनाएंगे धागा अपनी साइड लेकर आएंगे उस धागे को हम देखिए इस तरह से लपेट लेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे इस तरह से यहाँ दो जाली बन जाएगी ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे इस तरह से जाली बन गई दो जाली तो हमने बना ली टोटल हमें यहाँ पर सात जालियाँ बनानी हैं दो बना ली, पाँच और बना लेंगे और पाँच जाली बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे ये देखिए सात जाली इसकी हमने बना ली है एक दो तीन चार पाँच छः ये देखिए और एक सलाई के ऊपर है। तो सात जालियाँ इसकी बन चुकी हैं अब इसकी उल्टी साइड से हम बाजू इसकी घटा लेंगे तो ये देखिए बाजू घटाने के लिए एक फंदा वापस लेंगे दो तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हमने इसके घटा लिए और पूरी सिलाई हम इसकी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे सात फंदे तो हमने यहाँ पर घटा लिए देखिए और पूरी सिलाई हम बना लेते हैं पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए यहां पर फंदे घटाए पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली अब इसकी सीधी साइड पर है और दूसरी बाजू के फंदे हम यहाँ से इसके घटा लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात ये सात फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए और साथ हमने साइड घटाई थे अब इस सलाई को जो फंदे बचे हैं बुन लेते हैं ये देखिए यहां पर जहां पर जाली बनाई थी अब वहां पर हम जाली बना लेंगे एक जाली एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड इस तरह से लपेट लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए पूरी सिलाई हमने इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली ये देखिए अब इसकी उल्टी साइड पर है और उल्टी साइड से इसमें हम दूसरा कलर लगा लेंगे यहां पर एक नोट लगा देंगे और ये सलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करें ये देखिए ये सिलाई हमने इसकी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है अब इसकी सीधी साइड से ये सिलाई बनाएंगे देखिए उल्टा ही बनाना है और ये इसकी सीधी साइड है ये देखिए ये जाली वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया धागा पीछे करेंगे जाली नहीं बनाएंगे यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे ये फंदा जो सीधा है तो फंदे सीधे दोनों को हम सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये इस साइड के फंदे जो हैं उल्टे बना लेंगे जाली हम नहीं बना रहे यहाँ पर ये देखिए धागा पीछे और यंदा ऐसे उतार लेंगे ये सिलाई तो हमने कम्प्लीट कर ली है अब इसमें ये येलो कलर लगाएंगे दो सलाई हमने ग्रीन से बना ली दो सलाई हम येलो कलर से बनाएंगे ये पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए येलो कलर से उल्टी सिलाई बना ली अब हम सीधी साइड से इसकी सिलाई बनाएंगे इस सिलाई में भी हम जाली नहीं बनाएंगे देखिए धागा पीछे यहां पर जी दो फंदे जो सीधे हैं उनको हम सीधा ही बना लेंगे यहां पर जाली नहीं बनानी चार सलाइयाँ हमें ऐसे ही बना लेनी है बाजू घटाने के बाद इनमें हम जाली नहीं बनाएंगे देखिए चार सलाइयों में हमारी ये दो धारियाँ बन गई है फिर से हम इसमें ग्रीन कलर लगा लेंगे देखिए इस तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे देखिए उल्टी साइड से हमने ग्रीन कलर की सिलाई बना ली है अब इसकी सीधी साइड पर आएंगे देखिए अब यहाँ पर हम फिर से जाली बनाएंगे ये दो फंदे जो सीधे हैं धागा अपनी साइड रखकर देखिए एक जाली फिर ये फंदा सीधा धागा अपनी साइड और ये दो जाली ये देखिए दूसरी जाली डल गई इस तरह से हमने इसकी दो जाली बना ली है देखिए ऊपर तो हमने इसमें सात जालियाँ बनाई है नीचे हम एक बना चुके हैं टोटल हम नीचे बारह सलाई बारह जाली बनाएंगे सलाई नहीं बारह जाली बनाएंगे एक तो बन गई और ग्यारह हम और बना लेंगे और इसी तरह से कलर चेंज करते जाएंगे जैसे हमने यहाँ से किया है दो दो सलाई हमें दोनों कलर से बना लेनी है और टोटल हमें बारह जाली इसमें बनानी है बारह जाली बनाने के बाद फिर दिखाएंगे ये देखिए इसकी बारह जाली हमने बना ली है टोटल बारह जाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर हमने इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात सात जाली ऊपर बनाई है और यहाँ पर काउंट करके दिखाते हैं एक बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह जालियाँ हमने यहाँ पर बना ली है ये देखिए इतना इसको हमने कंप्लीट कर लिया है ये देखिए अब हम इसमें नीचे बॉर्डर में झालर बनाएंगे झालर हम इसमें दोनों कलर से बनाएंगे सबसे पहले हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं एक फंदा हमने ऐसे बुन लिया फिर इसको हम दोबारा बुन लेंगे दो बार हमने एक फंदा बुन लिया इस फंदे को फिर ये देखिए इसमें हम झालर बनाएंगे हमारे पास यहाँ पर टोटल फिफ्टी टू फंदे हैं तो झालर बनाने के लिए हम ये देखते हैं कितने फंदे लेने होंगे हम इसमें छः छः फंदों की झालर बना लेंगे सिक्स के मल्टीप्लाई में अगर फंदे ले तो हम हमें दो फंदे और चाहिए फिफ्टी फोर फंदे करने के लिए दो फंदे हम एक इस साइड बढ़ा लेंगे और एक इस साइड तो टोटल हमारे पास फिफ्टी फोर फंदे हो जाएंगे तो इस हिसाब से हमारी छः छः फंदों की झालर बन जाएगी देखिए सबसे हम पहले ग्रीन कलर से झालर बनाएंगे एक इस फंदे को एक बार बुना और इसी फंदे को हम दो बार बुन लेंगे फिर ये फंदा बुन लेंगे फिर हम इस साइड आएंगे सीधी साइड और इस फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे और ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे देखिए फिर से हम यहाँ से इस फंदे को बुन लेंगे एक दो और तीसरा फंदा हमें बुनना है तो हम एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे दो फंदे हमें बढ़ाने हैं एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ से तीन तीन फंदे हो गए फिर इस साइड को सीधी साइड से इनको बुन लेंगे एक दो लास्ट वाला फंदा छोड़ देंगे इसको हम ऐसे उतार लेंगे तीन तीन फंदे हो गए फिर हम उल्टी साइड पर आएंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदे बुन लिए फिर इसके सीधी साइड पर आएंगे अब इनको हम सीधी साइड से बुन लेंगे एक दो तीन धागा पीछे और ये फंदा ऐसे उतार लेंगे ये चार फंदे बुनगे देखिए चार फंदे हमने बुन लिए एक दो तीन चार और ये पांच। ये उल्टी साइड से हमने पांच फंदे बुन लिए अब हम इसकी सीधी साइड पर आएंगे और ये फंदे हम बुन लेंगे वापस दो तीन चार धागा पीछे और ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे पांच फंदे हो गए देखिए अब एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदे हो गए अब हम यहीं से वापस होंगे और ये इसकी सीधी साइड है छः फंदे हम बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच धागा पीछे और ये फंदा ऐसे उतार लेंगे अब हमने ये छः फंदे बुन लिए हैं इनको हम घटा लेंगे यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा करेंगे दो का एक फिर दो का एक दो फंदे घट गए तीन चार पाँच और जो छठा फंदा हम घटाएंगे ये देखिए इसको हम येलो कलर से घटा लेंगे छः छः फंदे हमारे यहाँ पर घट गए और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया इस तरह से छः फंदे घटा लिए अब इस फंदे को हम एक बार और बुन लेंगे ये देखिए दो बार हमने बुन लिया एक ही फंदा अब इससे आगे वाला फंदा फिर यहीं से हम वापस होंगे और इस फंदे को बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे और ये फंदा लास्ट वाला ऐसे उतार लेंगे अब ये देखिए एक दो तीन तीन फंदे बुन लिए धागा पीछे ये देखिए सीधी साइड है एक दो धागा पीछे करेंगे और ये फंदा ऐसे उतार लेंगे तीन फंदे हो गए एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे चार फंदे येलो के हो गए अब हम फिर से इसकी उल्टी साइड पर हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे येलो से बना लिए अब सीधी साइड पर है एक दो तीन चार धागा पीछे करेंगे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः छः फंदे हमने लिए धागा अपनी साइड करेंगे एक दो तीन चार और ये पांच फंदे तो बुन लिए और छठा फंदा हम ऐसे उतार लेंगे देखिए अब हम ये छः फंदे घटा देंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छठा फंदा हम ग्रीन कलर के साथ घटाएंगे ये धागा थोड़ा सा हम लूज रखेंगे ये देखिए तरह से इसको घटा देंगे ये देखिए दो झालर हमने बना ली है इस तरीके से इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए इसकी झालर हमने बना ली है और ये बनने के बाद ये देखिए इस तरीके से लगेगा इसका एक पार्ट हमने और बना लिया है दो पार्ट बनाने हैं ये देखिए एक पार्ट और बना लिया है सेम ऐसे ही जैसे ये बनाया है ऐसे ही बनाया है अब हम इनको सील देंगे ये देखिए ये धागा एक्स्ट्रा था थोड़ा सा हमारे पास इसको हमने निडल में डाल लिया है और इनको हम जो सीधा पार्ट है इसको अंदर की साइड लेंगे देखिए इस तरह से हम ले लेंगे अंदर की साइड ये देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट हमें सिलना है ये इसकी बाजू बन जाएगी यहाँ से इसको पूरे को हम सिलकर कर करते हैं देखिए इसको हमने यहाँ से सील लिया है अब इसका दूसरा पार्ट है इसको भी सील लेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको सील लेते हैं देखिए यहाँ से इसको सील लिया है और इसको हमने सीधा करके आपको दिखाया है अब इसको यहाँ से यहाँ तक सी लेंगे देखिए इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से ये बाजू तो हम देखिए छोड़ेंगे और यहाँ से इसको यहाँ तक लास्ट तक सील देना है यहाँ से ये देखिए इसके बाजू इस तरीके से बन जाएगी और इसी तरह से हम इस साइड से सिलेंगे दोनों साइड से सील कर फिर आपको दिखाएंगे ये देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे सील कर कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस को तो हमने सील लिया है देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है अब हम इसके मैच की जो है कैप भी बनाएंगे और कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पर ट्वेंटी सेवन फंदे डाल लिए हैं और दस नंबर की हमने सलाई ली है तो सबसे पहले हम कैप के नीचे का बॉर्डर बना लेंगे देखिए इसकी फर्स्ट रो है इसको उल्टा बनाएंगे इसको हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए अब इसकी सेकंड रो बना लेंगे और इसको भी हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से सेकंड रो इसकी कंप्लीट करते हैं देखिए टू रो इसकी कंप्लीट कर ली है उल्टा उल्टा बनाकर अब ये थर्ड रो भी इसकी उल्टा ही बना लेंगे और ये इसकी सीधी साइड है सीधी साइड से इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए तीन सलाईयां कंप्लीट हो गई हैं और सीधी साइड से इसकी दो लाइन आपको दिख रही होगी तीन सलाईयां कंप्लीट होने के बाद चौथी सिलाई में हम इसका उल्टी साइड से कलर चेंज करेंगे यहाँ पर इसकी एक नोट लगा लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाकर तैयार करेंगे देखिए चौथी सिलाई में हमने इसका कलर चेंज कर लिया अभी पाँचवीं सिलाई बनाएंगे और सीधी साइड से इसको सीधा ही बनाएंगे। अब हम उल्टा उल्टा नहीं बनाना सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा इस तरह से हम इसको बनाएंगे देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे देखिए ग्रीन कलर से हमने दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है फिर से हम ये येलो कलर लगाएंगे और दो सिलाई हम येलो कलर से बनाएंगे देखिए दो सिलाई बनाते हैं फिर दिखाएंगे ये देखिए यहाँ पर इसकी हमने छह पट्टियाँ बना ली है, एक दो तीन चार पाँच बॉर्डर के बाद हमने बारह सिलाइयाँ कंप्लीट की है छः पट्टियाँ बना ली हैं अब इनको हम यहाँ पर बंद कर देंगे और ये सारे फंदे जो हैं इस इसमें सॉरी नेटिल में उतार लेंगे देखिए धागा हमने डाल लिया है नेटिल में और इस तरह से ये सारे फंदे हम उतार लेंगे फंदे हमने सारे उतार लिए हैं इस धागे पर और इसको इस तरह से टाइट हम खींच देंगे इस तरह से और यहाँ पर ये यह देखिए एक नोट लगा देंगे इस तरह से टाइट बांधते हुए और अब इसकी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे देखिए कैप भी रेडी है हमारे लड्डू की और अब पहनाकर आपको दिखाते हैं ये देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू बाबू के लिए एक लाइक तो बनता ही है लाइक ज़रूर कीजिए ये देखिए इसकी बैक साइड है अभी देखिए कान्हा जी ने अपनी सौख से भी निकाल दी है और शरारती हैं कान्हा जी ये देखिए आप बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी बोलिए राधे राधे जय श्री कृष्णा लड्डू